नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं छठ पर्व के स्नान, उपवास, प्रसाद, अर्पण की वस्तुएं और विभिन्न नियम एवं व्रत पालन के बारे में। सांध्य सूर्य पूजा के एक दिन पहले, जिसे सांध्या कहते हैं, श्रद्धालु शुद्धिकरण के लिए विशेष रूप से गंगा में डुबकी लगाते हैं तथा गंगा का पवित्र जल अर्पण हेतु घर साथ लाते हैं। पूरे दिन उपवास रखा जाता है तथा श्रद्धालु देर शाम तक पूजा के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। चावल का हलवा, पूरी तथा केला, ये ही इस दिन का विशेष भोजन सामग्री है। अर्पण के पश्चात इन्हीं भोज पदार्थों को मित्रों एवं संबंधियों में बांटा जाता है। लोग बड़े ही श्रद्धा से इसे खाते हैं। दूसरे दिन 24 घंटे का उपवास प्रारंभ होता है। दिन भर प्रसाद बनाने की तैयारी होती है तथा संध्या को भक्तगण छठ मैया का गीत गाते हुए नदी तट, जल कुंडिया, तालाब पर पहुंच जाते हैं। वहां अस्त होते हुए सूर्य को उपर्युक्त प्रसाद का अर्पण किया जाता है। रात्रि के समय श्रद्धालु घर लौटते हैं, जहाँ एक अन्य महोत्सव प्रतिशारत होता है। गन्ने की टहनियों से बने एक छत्र के नीचे दीपयुक्त मिट्टी के हाथी एवं प्रसाद से भरे बर्तन रखे जाते हैं। यहाँ अग्निदेव की उपासना की जाती है। श्रद्धालु उपवास के समय जल भी ग्रहण नहीं करते। सूर्योदय से ठीक पहले भक्तगण नदी तट की ओर पुनः छठ मैया के गीत गाते हुए प्रस्थान करते हैं तथा उदयमान सूर्य की उपासना अर्चना करते हैं। प्रार्थना के पश्चात ही प्रसाद से उपवास तोड़ा जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद प्रदान किया जाता है। इस प्रसाद में विशेष रूप से पत्थर की सील पर पीसे हुए आटे का प्रयोग किया जाता है। इस आटे को देर तक तला जाता है तथा इसमें मीठा डालकर इसकी गोलाकार गठिया बनाई जाती है, जिसे ठेकुआ कहते हैं। इसके अलावा इस विशेष प्रसाद में अंगूर, पूरा नारियल, केले एवं मसूर की दाल के दाने भी होते हैं। पूजा के समय ये सभी वस्तुएं बांस की अर्ध गोलाकार टोकरियों में रखी जाती हैं। इन टोकरियों को सूप कहते हैं। छठ पर्व अत्यंत रंग बिरंगा उत्सव है, जिसमें श्रद्धालुओं को नए वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है। घर व नदी तट पर संगीत के सुर भक्ति एवं लोक भाषा से महक उठते हैं। पटना में लाखों लोग गंगा तट पर मीलों लंबी कतारों में बैठे रहते हैं। पर्व से उत्पन्न यह आपसी मेलजोल अनूठा ही प्रतीत होता है। जैसे ही दीपावली का आनंद शांत होता दिखता है, छठ की छटा खिल उठती है। प्रौढ़ विवाहित स्त्रियां ही सभी चीजों की तैयारी करती हैं। एक और आयु में कम स्त्रियां एवं बच्चे अन्य कार्यों को संभालते हैं। दूसरी ओर प्रौढ़ स्त्रियां उन वस्तुओं की भली प्रकार सफाई धुलाई करती हैं, जिनका प्रयोग पूजा प्रसाद में होता है। सभी वस्तुओं की, चाहे वह रसोई का चूल्हा हो या करछुल हो या पकाने में प्रयोग आने वाली पकड़ हो या भुनने का पात्र, सबकी पूरी तरह से सफाई की जाती है। नए पीसे हुए चावलों की लेई बनाई जाती है। सूखी मेवा एवं नारियल के टुकड़ों को स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको आटे में मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। पारंपरिक व्यंजन ठेकुआ गेहूं के मड़े हुए आटे को विभिन्न आकारों में काट कर बनाया जाता है। इसके लिए काष्ठ के सांचों का भी प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात इसे गाढ़े भूरे रंग का होने तक तला जाता है। तलने के बाद यह अत्यंत कुरकुरा हो जाता है तथा बड़े स्वाद से खाया जाता है। पश्चिम के देशों में लोकप्रिय व्यंजन कुकीज की भांति ही इसमें घर का बना मक्खन, बहुत सा गुड़ तथा नारियल डाला जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए गृहस्थ प्रौढ़ महिला कुछ नियमों का पालन करती हैं, जैसे वह पका हुआ खाना नहीं खाती तथा सीले हुए वस्त्र नहीं पहनती। रसोई में जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति का स्नान करना आवश्यक होता है। सांध्य पूजा का महामेला। समवेद स्वर में लोकप्रिय भक्ति संगीत गाते हुए लोगों के छोटे छोटे समूह प्रत्येक घर से निकलते हैं और नदी तट तक पहुँचते पहुँचते ये जुलूस एक विशाल जन समूह का रूप ले लेते हैं। जुलूस में सम्मिलित पुरुष अपने वक्ष को नग्न रखते हैं तथा प्रसाद को बांस की छोटी छोटी टोकरियों में लेकर चलते हैं। इन टोकरियों को जाने अनजाने जूठा होने से बचाने के लिए ऊंचाई पर रखा जाता है। इन टोकरियों में लड्डू, ठेकुआ तथा मौसमी फल होते हैं। नारियल, केले के गुच्छे, एक दो संतरे इत्यादि को
हल्दी में रंगे कपड़ों से ढका जाता है। इन पदार्थों के अतिरिक्त एक मिट्टी का दीपक भी इन टोकरियों में रखा जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, प्रार्थना पूजा आरंभ हो जाती है। नदी तट पर किसी का फिसलना या कोई भूल करना एक दैविक संकट का प्रतीक माना जाता है। नव शीत में पश्चिम के ओजस्वी आकाश ललाट पर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम का वांग्मय दृश्य प्रकाशित हो उठता है। सहस्त्रों उठे हस्त धारण करते हैं चमकती हुई बांस की थालियां एवं टोकरियां। मध्यम लौ में प्रकाशित ढके हुए दीपक मंत्रोच्चारित वातावरण को दीप्यमान कर देती हैं। पल बीतता है, मुखाकृतियां धूमिल उठती हैं और अंधेरा होते ही जनसमूह नदी तट से वापस घर लौटना प्रारंभ करता है। अस्ताचल सूर्य को श्रद्धांजलि प्रदान करने के पश्चात अब समय होता है सूर्योदय प्रार्थना की तैयारी का। यह पूजा विधान का अभिन्न अंग है। नदी तट की ओर यात्रा उषा से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। कृष्ण पक्ष की चंद्रमा के कारण बाहर आकाश मार्ग वृक्ष की भांति काला काला प्रतीत होता है। ओस से भीगी भीगी घास एवं प्रवाहित होते जल की ध्वनि ही नदी तट निकट होने का संकेत देती है। इस समय सभी पूर्व की ओर मुख करते हैं और नदी में स्नान हेतु आगे बढ़ते हैं। इसी बीच टोकरियों को एक अस्थायी मंडप के नीचे सुरक्षित रखा जाता है। इस मंडप को ताजा उपजे गन्ने की टहनियों से बनाया जाता है। इसके लिए एक विशेष चौमुखी ढांचा बनाया जाता है तथा इसके कोनों को हाथी एवं पक्षी के रूप में बनाए मिट्टी के दीपकों से सजाया जाता है। निर्मलता एवं शुद्धि रखने तथा क्रूर दुरात्माओं को दूर रखने के लिए चंदन का लेप, सिंदूर, भीगे चावल, फल एवं पुष्प भी रंगे हुए लाल सूती वस्त्र के भीतर रखे जाते हैं। जैसे ही सूर्य किरणें उदित होती हैं, साड़ी व धोती पहने स्त्री पुरुष उथले पानी में कूद पड़ते हैं। पैर जमा कर ये लोग जल की अति शीतलता को भूल जाते हैं तथा ऋग्वैदिक के उस कालातीत मंत्र जो विशेष रूप से सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान कर सूर्य की श्रद्धा से पूजा करना प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।